हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सूरज। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ द संविधान का निर्माण। यह पूरी दुनिया जानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, के साथ ही भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। संविधान की रचना का कार्य इतना आसान था नहीं, ये उन महान लोगों के मेहनत का परिणाम था जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में इसे लिखित रूप दे दिया। दोस्तों, संविधान सभा का गठन 1946 में ही हो गया था, लेकिन इसे बनाने की जो प्रक्रिया थी, सोच थी, कई वर्ष पहले ही। जैसे कि लास्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग ब्रिटेन का 200 साल तक राज रहा। दो अलग अलग फेजोज में उन्होंने भारत के ऊपर राज किया। 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी रूल, वहीं पर 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल। 1858 से लेकर 1947 तक कई सारे ऐसे एक्ट और अधिनियम आए जो कि भारतीय प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए तथा कथित भारत के हित के लिए लाए गए थे। विडंबना की बात यह थी कि इस किसी भी अधिनियम में भारत के लोगों का किसी भी प्रकार से योगदान, सभी अधिनियमों में ब्रिटेन का ही इंटरेस्ट हित दिखाई दे रहा। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो भी इसके पैरेलल कई सारे काम कर रहे थे। जैसे कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट, जिसे स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके हेड मोतीलाल नेहरू थे। इस रिपोर्ट में कहा जाता है सबसे पहले संविधान सभा, लेकिन भारत के कई लोगों ने इस मांग को। के बाद 1934 में एम एन रॉय, भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक, इन्होंने संविधान सभा की मांग की। के बाद 1935 में कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935। इस एक्ट ने भी भारत के लोगों को निराशा ही दी, लेकिन यह वह एक्ट था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स बना। इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान, एडल्ट फ्रेंचाइज मत के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के बिना किसी इंटरफेयर के संविधान बनाने की मांग उठाई। शुरुआत में ब्रिटिश ऑफिशियल ने इस मांग को अपोज किया, ठुकराया, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू और जो गवर्नमेंट थी वहां की, ब्रिटेन की, वो बदल जाती है और ऐसी परिस्थितियां बदलती है जो कि जो सुटेबल होती है हमारे लिए, और फाइनली 1940 को इन सभी मांगों को मान लिया जाता है। 1940 को इन सभी मांगों को मान लिया जाता है। इसे कहा जाता है अगस्त ओ। इसके बाद 1942 को ब्रिटिश सरकार, 1942 में ब्रिटिश सरकार अपने कैबिनेट को भारत भेजती है, जिसके हेड होते हैं सर कैफोर्ड क्रिप्स, और इसे कहा जाता है क्रिप्स।
क्रिप्स के प्रपोजल को मुस्लिम लीग द्वारा नकार दिया जाता है, स्वीकारा नहीं जाता, क्योंकि वो दो नेशन, टू नेशन थ्योरी और दो अलग अलग संविधान सभा की, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।